अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही टेस्टी और ठंडी स्पेशल कीमे की गुजिया रेसिपी, जो ठंडी में बहुत ही टेस्टी और गरम गरम खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। तो चलिए हम आपको बताएँगे इसको कैसे बनाना है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे पहले एक पैन, उसमें डाल लेंगे तेल 2 टेबल स्पून के करीब। अब हम उसमें डाल लेंगे जीरा और तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा। जब ये जीरा तड़कने लग जाए तो उसमें हम डाल लेंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। अब इसको हम हल्का पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का पिंक होने तक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हल्का पिंक हो चुका है, ट्रांसपेरेंट प्याज हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 300 ग्राम के करीब कीमा, ये हमने मशीन का कीमा लिया हुआ है। तो चलिए अब इसको हम डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि ये एकदम अच्छे से वाइट ना हो जाए और अच्छे से इसका पानी जलने ना लग जाए। तो चलिए इस तरह से हम इसको चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो एक जगह ये जम जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से कीमे को भून लिया है। अब इसमें हम डाल लेंगे 1/2 कप के करीब मटर। अब इसको एक बार फिर से चला लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए अदरक लहसुन डालने के बाद इसको हम एक बार अच्छे से फिर से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और कीमे में अच्छे सी खुशबू आ जाए। तो चलिए इसको खूब अच्छे से भूनने के बाद 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब और 1/2 टीस्पून के करीब हमने ले लिया मिर्ची पाउडर। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच डाल देंगे हम जीरा पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे हल्दी। साथ ही में हम 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और कलर के लिए हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। तो चलिए इन सबको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि अच्छे से भुन ना जाए। इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं, बस वही कीमा है। तो अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे टमाटर, 2 छोटे साइज़ के टमाटर हम इसमें डाले हैं। तो टमाटर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ढककर रख देंगे गलने के लिए टमाटर को। जब तक हमारा टमाटर गल रहा है तब तक यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कप के करीब चावल का आटा। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। तो उससे पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से इसको मिक्स करते हुए इकट्ठा कर लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिया। अब इसको इसी तरह से मसलते हुए अपने हथेलियों की मदद से इसका डो बनाना है, क्योंकि इसको पंच की मदद से नहीं सानना है। जैसे हम गेहूं के आटे को गूंथते वैसा नहीं करना, इसको हथेली की मदद से इसको रैप करते हुए इस तरह से इसको गूंदना है, तभी ये अच्छे से इसका गुजिया तैयार होगा, नहीं तो फटने लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का पानी लगाते रहेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से हथेली की मदद से आगे की तरफ रगड़ते हुए इसको इस तरह से डो बनाएंगे इसका। तो देखिए यहाँ पर हमारा चावल के आटे का डो बनकर तैयार है। तो अब हम इसको इस तरह से अच्छे से कर देंगे साइड में। उसके बाद हम चेक कर लेंगे हमारा कीमा। तो देखिए यहाँ पे हमारा अच्छे से टमाटर गल चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डाल लेंगे कोथमीर और साथ ही में हम डाल लेंगे प्याज की पत्ती। इन सबको मिक्स करके फिर से हम रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारी प्याज की पत्ती भी अच्छे से गल गई है और हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके अंदर पानी नहीं है, अगर पानी है तो उसको चलाते हुए उसको जला ले पानी को और उसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारा कीमा ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर बना लेंगे गुजिए की
छोटी छोटी रोटी की तरह छोटा छोटा। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से हथेलियों की मदद से हम इसको बनाएंगे। देखिए पहले इसको लोहे को ले लिए जी हाथ में, उसको गोल करने के बाद हथेलियों की मदद से दोनों हाथों से चपटा करके साइड में कर लीजिए, इसे रख दीजिए एक बर्तन पे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको बना रहे हैं, आपको जिस हिसाब से सही लगे आप उसी हिसाब से बनाएं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा कीमा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें जो तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा उसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी आटे को इस तरह से बना लिया है जितना हमको बनाना था। तो देखिए इसमें हम कीमे को चम्मच की मदद से सभी उस पर रख देंगे। उसके बाद अब हम इसको बना लेंगे, उसको शेप दे देंगे जिससे हमको पसंद है या जिस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए इस तरह से इसका शेप दे रहे हैं, इसको हम पैक कर दे रहे हैं। अगर इसका मुंह खुला भी रखेंगे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बनकर रेडी होगा। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको इस तरह से पैक कर दे रहे हैं। तो चलिए आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं एक और शेप में, जो बहुत ही ईजिली बन जाता है, इसमें कोई भी झंझट नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमने सभी को इस तरह से बना लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, तेल हमने 2 टेबल स्पून के करीब लिया हुआ है। अब उसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे पानी और इन सबको कर देंगे मिक्स और गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन। तो चलिए यहाँ पे सभी गुजिए को इस तरह से रख देंगे इस पर एडजस्ट करके। तो चलिए यहाँ पे हम देखिए हमने बहुत ही आसानी से सभी सभी को रख दिया है। अब इसको हम ढककर रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, या जब तक कि इसका पानी ख़त्म ना हो जाए। देखिए हम यहाँ पे लीड का ढक्कन लगाया हुआ है, आप चाहे तो कोई भी ढक्कन लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही आसानी से रेडी होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से रेडी हो चुका है और पानी हमारा जल चुका है, सिर्फ तेल ही रह गया है। इस तरह से जब रहे तो समझो आपका फ्राई बिल्कुल तैयार हो गया गुजिया। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं और बहुत ही टेस्टी यम्मी कुरकुरा। अगर आपको कुरकुरा करना है तो इसको 2 मिनट और रहने दें, ये नीचे से बिल्कुल कुरकुरा हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम तेल को दूसरे काम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको दिखाएंगे बहुत ही आसानी से और इजली किस तरह से बनकर बहुत ही टेस्टी गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।